बैठे हुए ने वन रैंक वन पेंशन की दर्शनों के वालों मांग की जा रही है। रेलवे ट्रैक जाम होने के कारण कई ट्रेना भी प्रभावित हो रही ने। दिल्ली तो जम्मू जाने वाली ट्रेना जड़ियाँ के डायवर्ट की गई तो इस हलचल भी जी वही है। वही गिनती में पुलिस बल जो पहुंचा, पुलिस बल की तैनाती की गई है। तुम तस्वीर विखा रहे हैं तो पुलिस का कोई एक्शन भी कुछ समय के नज़र आ सकता है, क्योंकि इस सीधे तौर पर रेलवे आवाजाही प्रभावित हो रही है। मुसाफरों लोगों भारी मुश्किल का सामना करना पै रहा, अपनी मंजिल तक पहुंचने उन्होंने इंतजार करना पै रहा। तो इस हम पुलिस की हलचल वही है, तुम तस्वीर विखा रहे हैं। वही गिनती में पुलिस के अधिकारी पुलिस मुलाजम नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ी देर के पुलिस के वालों कोई कार्रवाई भी की जाए। साबका फौजियों को इस जगह तो हटाया जाए, क्योंकि साबका फौजियों के वालों शंभू रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है वो पूरी तरह जाम कर दिता गया, जिसके कारण रेलवे ट्रैक जाम होने के कारण कई ट्रेना प्रभावित हुई हैं। दिल्ली तो जम्मू जाने वाली ट्रेना जी के वो डायवर्ट की गई ने। दरअसल इन्होंने साबका फौजियों के वालों वन रैंक वन पेंशन की मांग की जा रही है, जो जानकारी सामने आई है। दरअसल ये साबका फौजी दिल्ली जाना चाहते सन, जिवें पुलिस के वालों शंभू से इन्हों को रोकया गया, उन्होंने वालों शंभू से ही मोर्चा लगा दिता गया। रेलवे ट्रैक है जोड़ा उसमें बिल्कुल जाम कर दिता। तो तस्वीर विखा रहे हैं, वही गिनती में जो साबका फौजी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। दूजी तस्वीर के पुलिस की जी वी हलचल है वो भी वेखी जा सकती है। वही गिनती में पुलिस अधिकारी पुलिस मुलाजम मौके पर पहुंचे हुए हैं। वही गिनती में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, तो हो सकता है थोड़ी देर के पुलिस का कोई वाला एक्शन भी नज़र आए, क्योंकि इस जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ में पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। शंभू रेलवे स्टेशन को पंजाब पुलिस पीएसी के लाखों जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है, और पूर्व सैनिकों के साथ में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बात राज्यपाल तक पहुँचाई जाएगी, और उसके बाद राज्यपाल प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुँचाएंगे। यानी पूर्व सैनिकों ने जो अपनी एक योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को घेरने की तैयारी की थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पूर्व सैनिकों को पहुंचने नहीं दिया, तो शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर ही उन्होंने पटरियों पर धरना दे दिया। इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार शंभू रेलवे स्टेशन के बाद लाखों में पुलिस और सैकड़ों में गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, राइड कंट्रोल व्हीकल्स और बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, और पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत चल रही है। कुछ पूर्व सैनिक जिसमें सूबेदार प्रगट सिंह साहब भी शामिल है, वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। यदि पूर्व सैनिकों के साथ में कुछ भी होता है तो बड़ी अनहोनी हो सकती है, ऐसा कहना है पूर्व सैनिकों का। लेकिन यहाँ हमारी तरफ से कहना है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे जान और माल का नुकसान हो, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आप अड़िग रहे हैं और मांगों को सही जगह पर पहुँचा के ही आप दम लें। आज सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों के साथ में, और मैं कहूं कि उनके लिए जो साथ मिला है वो मिला है नेशनल मीडिया का। शंभू रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों पत्रकार मौजूद है, जिस प्रकार आपने रिपोर्टिंग अभी देखी वो नेशनल मीडिया चैनल है, और आज पूर्व सैनिकों का धरना किसान धरने के बाद नेशनल मीडिया पर आ चुका है। आप इस धरने के समर्थन में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी वहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है कि देश भर से लाखों पूर्व सैनिक शंभू रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं, तो सामने पुलिस के जवान भी तैयार खड़े हैं। देखने वाला होगा, और जो भी अपडेट होगी वो आप सबके साथ में लेकर मैं जल्दी हाजिर हूँगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.